उन तमाम यात्रियों के लिए एक सूचना है जो होज से सगाली की ओर, पाके केसंग की ओर, सेपा की ओर, ईस्ट कामिंग, वेस्ट कामिंग और तवांग डिस्ट्रिक्ट की ओर जाने वाले सभी यात्रियों के लिए एक सूचना है। होज से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर जो है एक बहुत बड़ा लैंड स्लाइड हो गया है, जिसमें तकरीबन 100 मीटर से भी अधिक जो है रोड जो है ब्लॉकेज है। हालांकि आपको बता दूं, डिपार्टमेंट के तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से 2 JCB अभी लगा दिया गया है। मैं खुद 6 बजे ईटानगर से निकला था, अभी यहां पर फंसे हुए 40 मिनट से भी ज़्यादा वक्त समय हो गया है और अभी दोनों साइड में जो है बहुत सारे यात्रियाँ फंसी हुई है जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की ओर जा रहे थे, जैसे कि जो सामान लेने वाले गाड़ियाँ, उसके बाद जो शुमो हो गया, अलग अलग जो बारे के जो जितने भी गाड़ी होता है, दोनों साइड में अभी फंसा हुआ है। और जितने भी जो यात्री इसी रोड को पकड़ कर जो अपना अपना डेस्टिनेशन में जाना चाहता है, उन तमाम लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक ये रोड ना खुले तो तब तक आप अपने लोगों से पूछ कर ही यहाँ पर आप आ सकते हैं। हालांकि जो लोग सुबह यहाँ पर पहुँचे थे, सभी लोग अभी यहीं पर जो है रुका हुआ है। तकरीबन 100 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ अभी दोनों साइड में फंसा हुआ है। हालांकि ये रोड को क्लियरेंस करने की कोशिश जो है की जा रही है और ये वक्त जो है 2 घंटा से भी अधिक का समय जो है लग सकता है। तो मैं तमाम यात्रियों को जो होज से हो करके जो पाके केसंग, जो ईस्ट कामिंग, वेस्ट कामिंग और तवांग डिस्ट्रिक्ट और की ओर जो जाते हैं, आप सभी के लिए बहुत बड़ा सूचना है कि आप जब भी यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ के जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के अपने लोगों को पूछताछ करके ही इसी रोड को पकड़ने के लिए कोशिश करेंगे। और जितने भी जो दर्शक अरुण भूमि को देख रहे हैं, आप लगातार देखते रहिए और मैं ऐसे ही खबर आप तक पहुँचाते रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।